हेलो गाइस, दिस इज कुशाग्र। वेलकम टू कुशाग्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। सो देखिए, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक। क्या इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये भी उसी तरह से होता है, मतलब कि ये आप 9th क्लास में आए तो ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। क्या? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ही नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक। सो चैप्टर फर्स्ट क्या है इसका? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये हमें एक स्टोरी बतानी है विलेज पालमपुर की। पालमपुर विलेज है एक, उसकी स्टोरी बतानी है। सो अब ये इसके जो ये जो है हमारी स्टोरी जो है ये कुछ रिलेटिंग कॉन्सेप्ट से है। किसके रिलेटिंग कॉन्सेप्ट से है? ये है हमारे किसके रिलेटिंग कॉन्सेप्ट से है? प्रोडक्शन की। किसके? प्रोडक्शन की। और यहाँ पे एक क्या है, एक विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज, उसका नाम है पालमपुर। क्या? पालमपुर एक विलेज है, उसी विलेज की कहानी ये हमें यहाँ बतानी है इस चैप्टर में। सो आप देखिए, यहाँ जो ये विलेज पालमपुर है, यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? मेन एक्टिविटी है यहाँ पे एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे फार्मिंग करना। फार्मिंग यानी कि जैसे खेती बाड़ी करना। किसान फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा मेन एक्टिविटी किसकी? इस पालमपुर विलेज की। अब इसमें और भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेयरी, ऐसी और भी एक्टिविटीज होती है, ट्रांसपोर्ट ETC, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई एक्टिविटीज। अब ये सब एक्टिविटीज हमारी होती हैं, ये किससे होती हैं? रिसोर्स से। किससे? रिसोर्स से। रिसोर्स से ही हमारी एक्टिविटी ये सब होती है, रिसोर्स से होती है। रिसोर्स कैसे? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफॉर्ट्स, मनी। नेचुरल रिसोर्स है उनसे होंगी ये नेचुरल रिसोर्स जो है, नेचुरल रिसोर्स। अब मैन मेड आइटम्स है कुछ, ह्यूमन इफॉर्ट्स है, ह्यूमन के इफॉर्ट्स जो होते हैं, मनी से भी होता है, राइट। अब ये तो गया। अब देखिए, ये जो है हमारा पालमपुर जो विलेज है वो क्या है? बहुत सारे विलेज से, टाउन से क्या है? जुड़ा हुआ है। बहुत सारे विलेज से, टाउन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक विलेज है इसके पास में, 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो, इस पालमपुर विलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बस सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो कौन सा विलेज है? रायगंज। क्या नाम है उसका? रायगंज विलेज है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किससे? हमारे विलेज पालमपुर से। अब ये जो है ये बिग विलेज है, बहुत क्या है? बिग विलेज है। अब जो ये विलेज है रायगंज, इसके नियरेस्ट, इसके पास में ही एक स्मॉल विलेज है। क्या है? स्मॉल विलेज है, पालमपुर से भी स्मॉल विलेज है। क्या? शाहपुर। ये क्या है? स्मॉल विलेज है। किसके पास है ये? रायगंज के नियरेस्ट। अब ये जो है, ये जो तीनों पालमपुर है हमारे, अब यहाँ देखिए, ये जो है हमारे पालमपुर रायगंज और जो ये हमारा लास्ट है शाहपुर, ये जो है ये एक ही रोड से मिले हुए हैं, यानी कि एक ही रोड जाती है इनके रास्ते पर। ये जैसे एक ही रोड है, मान लिया कि यहाँ जाना है ये पालमपुर से रायगंज, रायगंज से शाहपुर, एक ही रोड है ये। इस रोड पे ही ये मिले हुए हैं, ठीक है। अब इस रोड पे ही बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट चलते हैं, आप जैसे क्या क्या, जैसे बुग्गी टोंगा, ब्लॉक कार्स, ये सब चलते हैं, ठीक है। अब और भी जैसे चलते हैं मोटर्स की बात करें तो हम मोटर्स से जो चलते हैं, यानी कि जैसे मोटरसाइकिल, जैसे बाइक, मोटरसाइकिल है ना, और ट्रैक्टर्स, जीप, ETC, ये सब क्या है? ये भी इस रोड पर हमारे चलते हैं ये सब भी। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारी यहाँ पे क्या है, ये जो पालमपुर विलेज है हमारा, पालमपुर विलेज जो है यहाँ पे, ये पालमपुर विलेज जो है हमारा, राइट, ये जो हमारा पालमपुर विलेज है। अब इसमें क्या होती है, इसमें 450 फैमिलीज रहती हैं। कितनी? 450 फैमिलीज रहती है।
450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। अब 450 फैमिलीज रहती हैं, 450 फैमिलीज में से बहुत सारी कास्ट्स हैं। फैमिलीज में कितनी कास्ट्स हैं? कास्ट्स हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं इन 450 फैमिली में। और जो ये कास्ट है उसमें से 80 क्या हैं? 80 अपर कास्ट है, 80 तो अपर कास्ट है, 80 अपर कास्ट है, 80 जो कास्ट है इन फैमिलीज में से वो अपर कास्ट है ना, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ जो पालमपुर जो ये विलेज है हमारा, पालमपुर जो विलेज है हमारा, पालमपुर विलेज में जो है कुछ जो हाउस होते हैं, हाउस वो क्या है, ब्रिक से ही बने रहते हैं, कुछ ब्रिक से बने हैं, ठीक है। वो क्या है, ब्रिक से बने रहते हैं और वो बहुत बिग भी होते हैं, बिग हाउस। और जो ये कुछ हाउस होते हैं जो वैसे घास फूस से बने हुए होते हैं, ठीक है, वो बिग नहीं होते, स्मॉल होते हैं, स्मॉल हाउस, जिन्हें हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है, स्कूल्स हैं यहाँ पे जो पालमपुर विलेज है, यहाँ पे स्कूल जो है, स्कूल यहाँ लिख देता हूँ, स्कूल्स, स्कूल जो है वो दो तरह के स्कूल्स हैं यहाँ पे, एक तो है प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स ही है यहाँ पे, यहाँ पे ज्यादातर जो है प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ क्या है, एक ही, सिर्फ एक ही वो एक प्राइवेट स्कूल है, एक ही प्राइवेट स्कूल है, सिर्फ वन, ओनली ओनली वन प्राइवेट स्कूल, ओनली वन प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम जो हम अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो क्या है, चलिए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो जो ये प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अब हम इसे रफ कर देते हैं, प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, प्रोडक्शन जो है हमारा, प्रोडक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थ्री फैक्टर्स से होता है, ये थ्री फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, थ्री नहीं फोर, फोर फैक्टर्स से होता है, फोर फैक्टर्स है। वो फोर फैक्टर है कौन कौन से, ठीक है, फर्स्ट है लैंड, क्या लैंड, सेकंड है लेबर, सेकंड है लेबर, फिर है फिजिकल, फिर है फिजिकल कैपिटल, और लास्ट है ह्यूमन कैपिटल, क्या, ह्यूमन, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लास्ट है ह्यूमन कैपिटल। ये है फोर फैक्टर्स हैं ये, लैंड, लेबर, सबसे पहले तो देखिए लैंड ही जरूरी है। अगर आप क्या कर रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या, फर्स्ट तो लैंड ही जरूर, लैंड की जरूर होती, हमें लैंड की, अगर लैंड नहीं होगा हमारे पास तो हम ये जो क्रॉप्स हैं, ये हमारी जो क्रॉप्स होती हैं यहाँ पर, क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स कैसे उगा पाएंगे, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब सेकंड लेबर, लेबर यानी कि दूसरे आदमी की, है ना, जरूरत होती है लेबर्स की, हमें इंसानों की, दूसरे ह्यूमंस की जरूरत होती है लेबर्स की। अगर लेबर्स नहीं होंगे क्या हम अकेले काम कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा सा लैंड है उसमें बहुत सारी क्रॉप्स आपने उगा रखती हैं, सो क्या आप अकेले कर लेंगे, आपको लेबर्स की जरूरत होगी, लेबर्स की जरूरत होगी, ठीक है। सो इसके बाद है फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल में, ये फिजिकल कैपिटल भी अब टू टाइप की होती है, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल जो है वो थर्ड फैक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिजिकल कैपिटल भी क्या होती है, टू टाइप की होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड और फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये होती है हमारी। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आती है, फिक्स्ड कैपिटल में आती है। वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज वर्किंग कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल और वर्किंग, रॉ मटेरियल और मनी किस में आती है, इसमें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें किस में आती है, हमारी फिक्स्ड कैपिटल में आती है, राइट, क्लियर हो गया।
अब टूल्स मशीन्स फिक्स कैपिटल में क्या आती है, टूल्स मशीन्स ये सब आते हैं, टूल्स मशीन्स है ना, ये सब चीजें हमारी फिक्स कैपिटल में आती है। और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी, सिर्फ यही दो चीज आती है वर्किंग कैपिटल में। आता है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि ये जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है ये हमारी ह्यूमन से जो होता है वर्क, अब इसमें लेबर है, लेबर में ह्यूमन की जरूरत हो रही है। अब बात करते हैं जैसे बड़ा, ये क्या था, बड़ा था एक बड़ा सा लैंड था, उसमें लेबर की जरूरत पड़ रही है। अब एक छोटा सा लैंड है, स्मॉल फार्मर का छोटा सा लैंड है, सो वो अकेले अपने आप ही काम कर लेते हैं, फैमिलीज के साथ, अपनी किसके साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, तो इसी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, राइट, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इसमें ही ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन में ही एक टॉपिक आता है, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जब ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं ये ही क्या कहलाते हैं, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ये फैक्टर कहलाते हैं, राइट, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हमारा आता है फार्मिंग इन पालमपुर, अब इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में, फार्मिंग पालमपुर में जो है ये इतने सारे हमें तरीके दे रखे हैं फार्मिंग इन पालमपुर के। फर्स्ट क्या है, लैंड इज फिक्स्ड, सेकंड है इज देयर ए वे ऑन वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, विल द लैंड सस्टेन, फोर्थ है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्म ऑफ पालमपुर, फिर है हमारा हाउ विल प्रोवाइड द लेबर, फिर द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, सेवेंथ है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सेल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की सेल। अब ये सब इतनी सारी चीजें हैं, हम तो फर्स्ट क्या है, लैंड इज फिक्स्ड। अब इसमें क्या है, अब देखिए जो ये वर्क फार्मिंग जो है उसमें क्या है, 100% लोगों में से, 100% लोगों में से क्या है, 75% ही, 75% इसमें है फार्मिंग में आते हैं लोग, इसमें आते हैं फार्मिंग में आते हैं, फार्मिंग, लैंड इज फिक्स्ड ही, और उनका जो ये फार्मिंग में आते हैं, अब इनका क्या रहता है, लैंड फिक्स रहता है, मतलब कि इतना लैंड है मान लिया, उसमें ये क्रॉप्स उगाते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। अब जितना उनके पास लैंड होता है उतना वो करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो काम करते हैं लोग फार्मिंग में, उन्हें हम कहा जाता है फार्मिंग, जो ह्यूमन काम करते हैं उन्हें कहा जाता है फार्मर्स, फार्मर्स कहा जाता है, और फार्म और कहा जाता है फार्म लेबर, और फार्म लेबर, ठीक है, ये हमें कहा जाता है, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा फार्मर और फार्म लेबर कहा जाता है। अब जो इसका जो लैंड है वो फिक्स रहता है, लैंड इज फिक्स्ड, लैंड जो है हमारा फार्मिंग में जैसे मैंने बताया फिक्स रहता है। अब पर जो 1960 में, पर यहाँ पे क्या हो गया था, 1960 में एक नो कंपेशन, लैंड का नो कंपेशन हो गया था, कंपेशन नहीं था लैंड, ठीक है, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड, हमारा सेकंड वे क्या है, सेकंड वे हमारा इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब सेम लैंड में, ये सेम लैंड मतलब कि उनके पास तो इतना सही लैंड है, अब जैसे कम लैंड में इतना सारा कैसे क्रॉप कैसे ग्रो करें, सो ये ही हम इसमें पढ़ने वाले। अब देखिए अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, राइस, ये सब अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, राइट। अब वो ही कैसे इतने कम लैंड में, कैसे इतने कम लैंड पर कैसे ग्रो की जाएंगी वो, अब देखिए कैसे ग्रो की जाएंगे। सो पहले देखिए, पहले हमें एक चार्ट दिख रहे थे, क्या 1960, यहाँ लिख लेते हैं 1960, ये क्या है, ये ईयर 1960, इसमें जो है हमारा जो यहाँ पे ये 1960 और इसमें जो लैंड कितना था हमारा, कितना 120 था, और फिर आया 1970 में कितना है, 1970 में 130, फिर हमारा 1980 में कितना है हमारा, 1980 में हमारा 140, फिर 1990 में कितना है हमारा 140 है, 2000 में कितना है हमारा, 2000 में भी 140, 2004 में कितना है, 2004 में भी 140, अब 2005 में भी 140,
2006 में भी 140, ठीक है, ये चार्ट है हमारे बुक में दे रखा है, ठीक है। सो 2007 में 140, 2008 में भी 140, राइट। ये एक इतना पूरा चार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये कितना लैंड था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, राइट। अब इसमें चाहे एक वैसे भी देख सकते हैं आप, जैसे ये तो मैंने अभी नंबर में ऐसे बता दिए, पर आप चार्ट बना के देखिए, ये तो मैंने लिख के बता दिया, आप चार्ट चार्ट कैसे, आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0, 20, 40, 60, 80 और 100, यहाँ पे 100, 120, 140 और 160, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद यहां से हमें ये चार्ट बनाते हैं, चलिए हम ये हो गया, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये हो गया, यहाँ पे हम बनाते हैं, हम ये ईयर लिख देते हैं, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, और चाहे हम आगे तक कितना भी कर सकते हैं, पर अभी हमने इतना ही लिख लिया। तो 1960 में कितना, ये 120, फिर 130, 1980 में कितना हमारा 140, फिर 140, फिर 140 तक ऐसे ही चार्ट बन गया हमारा, राइट। अब ये क्लियर हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया आपको, अब ये क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। ईयर में कितना वो हुआ था कल्टीवेट, ठीक है, ये बताया गया था। अब ये सेकंड वाला क्लियर हो गया भाई। अब थर्ड, थर्ड क्या है, विल द लैंड सस्टेन, विल द लैंड सस्टेन, लैंड सस्टेन कैसे होगी यहाँ पे, किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर कैसे। अब केमिकल फर्टिलाइजर हमें मिनरल प्रोवाइड करता है, ठीक है, लैंड सस्टेन होती है इसलिए हम डालते हैं, क्योंकि वो मिनरल प्रोवाइड करता है और वो वाटर में भी डिजोल्व हो जाता है, इसलिए हम उसे डालते हैं लैंड पर, इसलिए लैंड सस्टेन हुई हमारी केमिकल फर्टिलाइजर की, बस इतना। सो फिर यहाँ देखिए, वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लैंड पे, उन्हें भी किल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, उसमें ज्यादातर ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे पंजाब क्या है, पंजाब सबसे, पंजाब में सबसे ज्यादा, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। अब ये थर्ड वाला भी, फोर्थ में क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है कि ये जो हमारी, वो जो हमने 450 जो फैमिलीज बताई थी, 450 फैमिलीज में से उसमें 150 फैमिलीज के पास लैंड नहीं है, नो लैंड, ठीक है। अब 2040 में भी, वो सॉरी 240 में 2 हेक्टर से लेस, 2 हेक्टर से भी कम लैंड है, ठीक है। अब 60 फैमिली बस ऐसी बची है, सिर्फ 60 फैमिली ऐसी हैं अब जिनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा क्या है, 2 हेक्टर से मोर ज्यादा लैंड है, ठीक है, बस 60 फैमिली ऐसी हैं 450 फैमिलीज में से, ठीक है। अब नहीं, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हमारा, ये जो हमारी इतनी जो 60 फैमिली है, अब इसमें से एक चार्ट बना लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब एक और सर्किल, उसमें क्या हो गया, उसमें ये, ठीक है, अब ऐसा बन गया हमारा, ये क्या है, ये इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें 34%, इसमें 64%, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 20%, यहाँ पे 80%, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये जो 20% वाले जो आएंगे, 20% वाले जो हैं, ये क्या है हमारे, ये बिग फार्मर्स हैं, बिग फार्मर की क्या है, ज्यादा लैंड है, ठीक है। अब जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं, इनकी कम लैंड है, पर ये क्या है, ज्यादा है स्मॉल फार्मर्स और इनकी कम लैंड है, कम लैंड है, और ये ज्यादा है, ये कम है तो इनकी ज्यादा लैंड है, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। ये हमने फोर में पढ़ लिया, कैसे हमने लैंड को डिस्ट्रीब्यूटेड करा फार्म ऑफ पालमपुर की फार्मिंग में। अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है फाइव वाला, हु विल प्रोवाइड द लेबर, हमें लेबर कौन प्रोवाइड करता है, यानी कि हु विल प्रोवाइड द लेबर,
कौन प्रोवाइड करता है? लैंड। पहले तो देखिए लैंड और लेबर जो है ये क्या है, नेसेसरी फैक्टर है किसके, प्रोडक्शन के। नेसेसरी फैक्टर है ये प्रोडक्शन के, राइट। अब नेसेसरी फैक्टर है ये प्रोडक्शन के। अब इसके बाद जो है कि हमारा ये जो लैंड और लेबर है ये ग्रेट डील जो होती है हमारी हार्ड वर्क की उसे भी आसान कर देते हैं, राइट। जिसके पास लैंड होता है लेबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये हमें प्रोवाइड कौन करता है? लेबर्स, स्मॉल फार्मर्स बिग फार्मर्स को। यानी कि जो स्मॉल फार्मर होता है वो पैसा कमाने के लिए बिग फार्मर के पास काम करने जाते हैं और ऐसे जो है बिग फार्मर को लेबर्स मिल जाते हैं, ओके। अब द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल कौन सी नीडेड क्यों होती है फार्मिंग में, मतलब फार्मिंग कैपिटल को फार्मिंग की क्यों जरूरत होती है, कौन देता है? अब जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, राइट, जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं अब हमारे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी जो उनकी जो क्रॉप जितनी भी उन्होंने उगाई थी वो क्या करते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं, बचाते हैं कैपिटल के लिए, बचाते हैं, ठीक है। फार्मिंग ज्यादा करते हैं, पैसे को बचाते हैं, है ना, फार्मिंग बहुत करने लगते हैं और वो अपने जो बिग फार्मर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो उनसे हेल्प कर लेते हैं और ऐसे हमारी कैपिटल को क्या कर देते हैं, कैपिटल को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो बिग फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिग फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अब बिग फार्मर क्या करते हैं, चलिए देखते हैं बिग फार्मर क्या करते हैं। बिग फार्मर जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो जो वो भी क्या करते हैं, फार्मिंग ज्यादा करने लगते हैं, है ना, फार्मिंग तो ज्यादा करते हैं। उनके पास जब फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं तो क्या आएगा, मनी भी ज्यादा आएगा उनके पास, क्योंकि वो बिग फार्मर है, उनके पास लैंड भी ज्यादा है तो वो अच्छे वो करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, कैपिटल के लिए, हमारी कैपिटल के लिए, ठीक है। अब जो कुछ गोविंद की और एक सुनीता की कहानी, ठीक है, पहले गोविंद की स्टोरी और गोविंद क्या था, गोविंद कौन था, गोविंद एक फार्मर था जिसके पास सिर्फ 2.25 हेक्टर क्या था, लैंड था, बस इतना ही लैंड था और उसके क्या थे, थ्री सन थे उसके, ठीक है। अब उसके थ्री सन थे, अब क्या हो गया कि वो ऐसे ही मेहनत से अपनी फार्मिंग करता रहा पर कुछ इयर्स में क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब जो थ्री जो सन थे उसके, उन्होंने सोचा कि हम जो वो जो लैंड जो है उसकी हमारी उसे 0.75 हिस्से में क्या कर ले, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो उन्होंने ये सोचा, राइट। अब उन्होंने ये सोचा कि 0.75 हिस्से में बांट लेते हैं। अब 0.75 सोचिए कितना कम है, 0.75 तीनों सन में बांट ली तो 2.25 हो गया, राइट। सो इतनी कम जमीन थी उनके पास। अब सुनीता की कहानी, अब देखिए ये क्या थी, ये भी एक स्मॉल फार्मर ही थी जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टर ही जमीन थी, 1 हेक्टर ही जमीन थी, ठीक है। अब 1 हेक्टर जमीन थी और ये सिर्फ मंथ में 3000 ही कमा पाती थी। सो इसने एक क्या था, एक बिग फार्मर था, है ना, उससे कॉन्टेक्ट करा। अब उसके पास ये काम करती रही, सो जैसे भी उसे मनी मिलता गया वैसे करती रही। फिर इसके भी थ्री सन थे। अब वो कैसे वन हेक्टर ही जमीन थी, वो कैसे बांट के, सोचिए, ठीक है। अब उनके पास सरप्लस खत्म हो गया था। सरप्लस क्या, यानी कि जितने भी आप फार्मिंग करते हैं उसमें से जो आपके पास बचता है उसे सरप्लस कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेवेंथ वाला, स्केल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। यानी कि जैसे आप मान लिया कि आप एक कोई फार्मर अपने हैंड पर ग्रो कर रहा है, राइट। अब हैंग पर ग्रो कर रहा है कोई फार्मर, सो सोचिए हैंग पर ग्रो कर रहा है, चलिए कर ली तो वो ग्रो हो गई। अब उसमें से थोड़ा सा तो वो ले गया अपने घर के लिए, थोड़ा सा बच गया, वो हो गया सरप्लस। अब ऐसे ही जो हमारे गोविंद और सुनीता थे उनके पास क्या, उनके सन्स जो थे उनके पास क्या सरप्लस बचता था, बहुत कम बचता था, ठीक है, बहुत कम सरप्लस होता था, ठीक है। सो ये हो गया फार्मिंग इन पालमपुर। अब आता है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में जो नॉन फार्म यानी कि फार्मिंग की एक्टिविटीज नहीं होती है, जो पालमपुर में फार्मिंग नहीं होती है, एग्रीकल्चर नहीं होता है पालमपुर में, वो क्या हो जाता है, फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी जो है ये अदर कॉमन एक्टिविटीज है। अब डेयरी क्या है,
अब मान लिया कि हमारी पालमपुर में जो है अलग अलग बफेलोज होती है, उसमें क्या है बफेलो अलग अलग तरीके की होती है, अब उन्हें अलग तरीके की क्रॉप्स खिलाई जाती है, जैसे ज्वार ज्वार बाजरा, ठीक है, ये सब अलग अलग तरीके की क्रॉप्स खिलाई जाती है उन्हें, राइट, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स खिलाई जाती है। फिर क्या करते हैं हम, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स खिलाई जाती है, और जो वो बफेलोज है उन्हें रायगंज में भेजा जाता है, रायगंज से क्या उनका दूध मिल्क जो है रायगंज में मिल्क भेजा जाता है रायगंज में, फिर वो मिल्क कहा जाता है, जो दो ट्रेडर्स हैं वो शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं उनका एक उनका जो सेंटर है एक मतलब रायगंज में उन्होंने एक सेंटर खोल रखा है मिल्क का, तो मिल्क वहां जाता है, फिर वो दूसरे टाउन्स में सिटीज में विलेज में पहुंच जाता है, ठीक है। ये डेयरी डेयरी हो गया, राइट। अब ये क्या है, ये क्या ये फार्मिंग एक्टिविटी है, नहीं है। अब एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, अब ये क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में होती है ऐसी अलग टाउन्स में होती है, सिटीज में विलेज में अलग अलग विलेज टाउन्स में होती है मैन्युफैक्चरिंग, राइट, होती है। पर ये पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या है, वो इन्वॉल्व करती है एक प्रोडक्शन के मैथड को, एक प्रोडक्शन मैथड से होती है, ऑन कहाँ पर होती है, वो स्मॉल स्केल पर होती है, क्या ये फार्मिंग हुई, नहीं हुई, राइट। अब द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, शॉपकीपर पालमपुर के, ये क्या है शॉपकीपर जो होते हैं पालमपुर के, अब शॉपकीपर जो है पालमपुर के हमारे वो क्या है, अब जैसे अलग तरीके की शॉप है पालमपुर में, वहाँ लोगों को जैसे दूसरे टाउन्स में नहीं जाना पड़ता, वहाँ पे हर चीज मिल जाती है यहाँ पालमपुर में, राइट, क्योंकि ये जो पालमपुर विलेज है ये अलग अलग टाउन से सिटीज से मंगवाता रहता है कुछ ना कुछ सामान शॉपकीपर्स, अब अलग अलग अपना आइटम्स भी बदलते रहते हैं, अपना सामान भी बदलते रहते हैं एक दूसरे से शॉपकीपर। अब के बाद है लास्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या एग्रीकल्चरिंग है फार्मिंग है, नहीं, तो ट्रांसपोर्ट क्या, ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट चलते हैं, अब जैसे अब रिक्शा वाला भी आ गया है पालमपुर में, रिक्शा वाला आ गया है, टोंगे वाला आ गया है, जीप्स ट्रैक्टर्स ये सब चीजें आ गई हैं, बुग्गी ब्लॉक कार्स ये सब चीजें आ गई हैं, सो ये ट्रांसपोर्ट बात है, ट्रांसपोर्ट जो है एक फास्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर है, हाँ तो ठीक है, राइट, ये क्लियर हो गया, राइट। चलिए इतनी थी आज का हमारा टॉपिक, सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।